सारी महिलाएं हो उन पे आप केस डालेंगी? आनंद सभी डालेंगी महिलाएं, सभी महिलाएं डालेंगी, सभी महिलाएं उसने भी यही से किया है। क्योंकि एक बात बताइए, आप किसी पे इल्जाम, मैं आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाऊं, आपको मीडिया बदनाम करूं, तो आप बताइए आप क्या करेंगे? एक्शन लेंगे? हमें चीज होगी ऐसे, कोई ऐसे फ्रैंक केस नहीं होते। और ऐसा कभी आपने देखा है कि फ्रैंक केस आप यहां कर रहे हैं जी, किस वहां पहुंचे थे? सिलेंडर देखा था, वो फोटो कितनी वायरल है, 400 का था, आज देखिए 2000 2500 तो मिल रहे हैं। महंगाई डैंग खाए जात का नारा लगाया था और आज देखो, आज कहां है? सबसे पहले अगर महिलाओं के लिए होगा, अरे शर्म करो, छोड़ दो, इस्तीफा दे दो मोदी जी को, मोदी आज ही इस्तीफा दे। राहुल जी, अरे वाह पोता, वाह भाई वाह, वाह बड़े मजेदार ब्लैंकी सर, और वहाँ जाके लगता है। शर्म करो स्मृति रानी, शर्म करो, अपने घर में देखो, अपने परिवार में देखो, देश में देखो, जो मणिपुर में हो रहा है उसको देखो, नू में हो रहा है उसको देखो। बोल रही है, पहले आप अपना करेक्टर देखिए मैडम, कि आप तो किसी, जिस सहेली ने आपको आसरा दिया, रोटी दी, उसी का पति आपने छीन लिया, किस ख्याल से? और राहुल गांधी जी किसी का भी पति छीन के शादी कर लेंगे? ये मणिपुर के समय पे कहाँ गई थी? ये कौन सी बिल में घुस रही थी? ये सिर्फ तभी निकलती है स्मृति ईरानी जब इनकी खुद की बेटी के अवैध बाहर के ऊपर, सिली सॉल के ऊपर बात उठाई जाती है, ये सिर्फ तभी निकलती है, इनकी ममता तभी जागती है, इनके अंदर का नेता तभी जागता है, वरना ये संसद में जनता की सभा के अंदर बकवास करने गई है। देखिए वो तो जानबूझ के ऐसा बोल रही है जबकि ऐसा कुछ था नहीं। नॉर्मली हम कर देते हैं ऐसी फ्लाइंग किस, वो नॉर्मली बात होती है, और उन्होंने उनको किया भी नहीं था, उनके सामने जेंट्स थे, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, तो उन्होंने बेफालतू की बातें बना दी और कुछ मिला नहीं अपनी टीआरपी के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ किया, बाकी ऐसा कुछ था ही नहीं। उनके सामने आपने देखा होगा वीडियो, स्पीकर को लिख के दिया है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए राहुल गांधी पर। देखिए कड़ी कार्रवाई किस लिए, जब वो उनके सामने पहली बार तो बैठे ही नहीं थे, ठीक है, राहुल गांधी जी के सामने आपने वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर लिखा उसमें दिख रहा है कि सामने जितने भी जो मिनिस्टर सामने बैठे हुए हैं सब वही बैठे हुए थे, और उनकी तरफ तो देख के किया भी नहीं है। और मान लो अगर 1% भी, मैं कहूँ अगर किया भी होता तो इसमें कुछ गलत नहीं था, उन्होंने कोई इंटेंशनली कुछ गलत वे में नहीं करते, चलते चलते इंसान कर देता है सभी को, जैसे फ्लाइंग किस क्या करते, उन्होंने उनको किया ही नहीं, उनकी तरफ देखा होता, किसी वुमेन्स की तरफ देखा है, ये बताइए आप, वीडियो क्लियर है उसके अंदर, जब उन्होंने उनको देखकर किया ही नहीं। ये महिलाएं जो संसद में खड़ी होकर इतनी बकवास कर रही हैं कि फ्लाइंग किस किया, ये मणिपुर के समय पे कहाँ गई थी? ये कौन सी बिल में घुस गई थी? ये सिर्फ तभी निकलती है स्मृति ईरानी जब इनकी खुद की बेटी के अवैध बाहर के ऊपर, सिली सॉल के ऊपर बात उठाई जाती है, ये सिर्फ तभी निकलती है, इनकी ममता तभी जागती है, इनके अंदर का नेता तभी जागता है, वरना ये संसद में जनता की सभा के अंदर बकवास करने गई है। पति छीना उन्होंने किसी का, हाँ। सोच समझ के बोले, अपनी गहरेबान में जाग के बोले, एक उंगली अगर वहाँ उठाएंगी तो चार उंगली उनके ऊपर खुद के ऊपर उठ रही है, हाँ। और अभी हाल ही में ही जो उन्होंने सवाल जवाबों का अपना दायरा किया उसके अंदर बच्चों ने, यंगस्टर्स ने उनसे सवाल जवाब करे इस बात पे कि कैसे आपने किसी के पति को छीना है और क्या स्टोरी रही, मुँह उतर गया था उनका, शर्म आ गई थी उनको, और बहुत देर तक कोई सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई थी। आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जो खानदान के नाम पर वो बोल रही है, पहले आप अपना करेक्टर देखिए मैडम, कि आप तो किसी, जिस सहेली ने आपको आसरा दिया, रोटी दी, उसी का पति आपने छीन लिया, किस ब्याह से? और राहुल गांधी जी फ्लाइंग है, तो शादी की है तो किसी का भी पति छीन के शादी कर लेंगी? वो पहले से शादीशुदा थे। और फ्लाइंग किस का मतलब क्या होता है? लव यू ऑल। राहुल जी ने अगर की पहली बात, तो वो आप अगर ढंग से देखेंगी वीडियो, किसी ने फ्लाइंग किस नहीं किया ना राहुल गांधी, फ्लाइंग किस किया कब तक? क्या वो शोर है? राहुल गांधी की, उन्हीं की पार्टी की हेमा मालिनी है, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, नकार दिया, पूरे सदन ने नकार दिया, एक स्मृति ईरानी को दिख रहा था फ्लाइंग किस, कुछ पेपर नीचे गिरे थे उनको उठाने के लिए, हमारे है ना कि कोई बुक गिर जाते उसको विद्या मानते हैं, सरस्वती की देवी मानते हैं, उसको चूमते हैं, उन्होंने उनको चूमा था, वो यहाँ बैठी हैं, और वो मैडम जी राहुल जी उधर बैठे हैं, स्मृति ईरानी वहाँ बैठी है, यहाँ फ्लाइंग किस करते राहुल जी, अरे वहाँ पहुँचता, वाह भाई वाह वाह बड़े मजेदार फ्लाइंग किस, और वहाँ जाके लगता है। शर्म करो स्मृति ईरानी, शर्म करो, अपने घर में देखो, अपने परिवार में देखो, देश में देखो, जो मणिपुर में हो रहा है उसको देखो, नू में हो रहा है उसको देखो। 70 दिन से मुंह पर टेप लगा रखी थी, 90 दिन बाद 2 मिनट की स्पीच दी और सब कुछ बंद हो जाता है, एक महिला, दो महिलाएं नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर में घुमाया जाता है, तब इनको दिखाई नहीं रहा? स्मृति ईरानी सदन में तब नहीं बोल सकती थी, एक बार मणिपुर नहीं जा सकती थी? जो सिलेंडर लेके बैठती थी रोड पे, कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, उसको मणिपुर नहीं दिखाई दिया? एक बार मणिपुर, मैं उस बहन का
बहुत आदर करती, बहुत सम्मान करती, उसके साथ बैठ के नारे लगाती अगर वो एक बार जाके मणिपुर उन बहनों के साथ सांत्वना देती। राहुल गांधी तो राजनीति चमकाने गए थे। अरे वो के गोबर खाने गई थी वहाँ पे, वो क्यों नहीं गई? वो एक महिला है, बाल विकास मंत्रालय उसके पास, बाल विकास मंत्रालय है, वहाँ जाके महिला का सांत्वना देनी चाहिए थी, वहाँ जाके देखना चाहिए था। वो यहाँ वो विपक्ष में, विपक्ष का काम है जो सवाल, जो गलतियाँ होती है उनको उठाना, विपक्ष का काम है जो गलती सरकार करे उसको उठाना, और पक्ष का काम है उस पर उसका सोल्यूशन निकालना। ये क्या सोल्यूशन निकाला? 70 दिन तक मणिपुर में हाहाकार मच रही थी, मणिपुर जल रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था सारी मर, वहाँ मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार मणिपुर में, और कहते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं, ऐसे तो सैकड़ों वीडियो हैं, अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। तो मोदी जी ने कह तो दिया वहाँ शांति बहाल होगी। अरे 90 दिन बाद क्यों, एक दिन बाद क्यों नहीं, 10 दिन बाद क्यों नहीं, 90 दिन बाद क्यों? विदेशों में घूमने के लिए टूर मारने के लिए समय था, मणिपुर जाने के नहीं था। अरे शर्म करो, तुम देश नहीं संभाल सकते, गद्दी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। मोदी जी को, मोदी आज ही इस्तीफा दे। वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, वो पिट्ठू ही रहेंगे, उनको देश से कोई मतलब नहीं, देश जाए बाहर में उनके लिए। लेकिन राहुल गांधी पे तो बोलते हैं ना, राहुल गांधी जिंदाबाद आने, उनको डर है राहुल गांधी से, इसीलिए तो उनकी सदस्यता कैंसिल की थी। हाँ। राहुल गांधी से डर लगता है। राहुल गांधी से किस बात का डर? ना प्रधानमंत्री कभी रहे हैं, ना बने हैं अभी, तो फिर क्यों डर? उनकी सदस्यता क्यों कैंसिल की? हाँ। क्यों करी वो? राहुल गांधी जी अब भी सदन में आके कुछ दिन रुक जाओ, वही सवाल पूछेंगे, वो 20,000 करोड़ किसका है, वो सवाल आज भी करेंगे जिसपे उनकी सदस्यता। लेकिन स्मृति ईरानी राहुल गांधी के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर आती है और आवाज उठाती है। देखिए उनके पास कोई टॉपिक, कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है क्या बात रखे, क्योंकि वो कुछ काम करती ही नहीं है। हाँ। वो कहती थी कि महंगाई को दूर करो, और ये सिलेंडर उठा के लेके चली। हाँ। थी, आज देख लो सिलेंडर के दाम कितने पार पहुंच चुके हैं। हाँ। अब कुछ टस से मस, क्योंकि उनके पास खुद भर गया है, और बाकी जो आम जनता है वो बिल्कुल त्रस्त हो गई है। हाँ। उनके पास कुछ है ही नहीं, और क्या नाम है, उनको पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है। आम जनता कैसे इकट्ठा करती है पैसा, दिन रात मेहनत करके कमाती है, और वो तो बैठे बैठे खुद ही मोटी होती जा रही है। उनकी पुरानी फोटो देखो, अब की देखो, सब बैठे बिठाए उनको मिल रहा है, वो क्या जाने आम जनता का हाल। आपने देखे कितने खूबसूरत महिला, कभी सास भी कभी बहू में काम कर चुकी है। हमें देखिए उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कोई मैटर ये नहीं करता। बात ये है, आप सबसे पहले महंगाई के लिए आगे आई थी, वो सिलेंडर देखा था, वो फोटो कितनी वायरल है, 400 का था, आज देखिए 2,000 2,500 में तो मिल रहे हैं। महंगाई डाइन खाए जात का नारा लगाया था, और आज देखो आज खाया। सबसे पहले अगर महिलाओं के लिए या आम लोगों के लिए आवाज उठा रही थी तो सामने आती ना, आज भी खड़ी होती ना, टस्से मस क्यों हो गई, अब यहाँ से हिली क्यों नहीं, अब बिल्कुल आई क्यों नहीं, यहाँ पर आगे आना चाहिए था उन्होंने, लोगों की आवाज के लिए ही वो आगे आई है ना। बोल तो रही है, अब राहुल गांधी ने फ्लैंक किस किया तो बोले तो है। देखिए उनको कोई मुद्दा नहीं मिला है, ये सब झूठ है, वीडियोस का उदाहरण आप देखिए ना, सरासर उसमें प्लेयर लिखा है, दिख रहा है वीडियो के अंदर। हाँ। सामने उन्होंने कहाँ किया है और कहाँ वो बैठी है, जिनकी तरफ किया है, लिख के दिया, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे स्मृति ईरानी। केवल 20 लोगों ने लिख के, फीमेल्स ने लिख के दिया ना, बाकी कहाँ गई, बाकी ने तो कुछ नहीं कहा ना। हेमा मालिनी जी ने साफ, आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने भी बोला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बोला ना, सच का बोलते हैं। बताइए नॉर्मली हम कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी ने हम तो ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। हाँ। इसमें क्या, ये प्यार होता है, आप इसे गलत वे में मत लीजिए, नॉर्मली बहन भाई बहन का प्यार हुआ और सब परिवार है, इसमें कुछ गलत नहीं होता। एक तरफ स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने फ्लैंक किस किया, लेकिन उसके बाद ठीक बॉलीवुड एक्टर्स कहने लगे कि हम राहुल गांधी से शादी करने के लिए तैयार हैं। देखिए वो सबका अपना अपना प्यार है, बोलने का तरीका है, कुछ नहीं कह सकते किसी को। उनको जो है ना, सहेली के पति को भी उन्होंने लिया, स्टार प्लस की बोल रही, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो डायलॉग के राइटर हैं, वो जो डायलॉग कहते हैं लिख के वही आवाज बोल देती है। अब उनको कुछ और मुद्दा नहीं मिला तो फ्लैंक किसका मिल गया है, कल को वो कहेंगे कल। जब ये बताइए ब्रिजभूषण जी, जब उन्हें हक करते हैं तब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। ब्रिजभूषण जी ने भी तो इस पर राहुल गांधी के लिए आपत्ति जताई, तो वो स्मृति ईरानी के साथ है, क्योंकि वो तो हक सबके साथ करते हैं। ब्रिजभूषण जी तो सबके साथ हक करते हैं, उन्हें स्मृति ईरानी ने किया हुआ है, वो स्मृति ईरानी के लिए बोलेंगे ना, वो क्यों बोलेंगे? जो खुद ऐसा है महिलाओं के साथ शोषण करता है, वो उसकी सुरक्षा वो, तो उसमें हम ये कह रहे हैं उसी के लिए नहीं है, तो ये क्या कहेंगे? चाहती हूँ कि व्हेन यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर टुवर्ड्स समबडी, ऑलवेज रिमेंबर 3 fingers आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। मैं ये बोलना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी को कि भाई आप फ्लाइंग किसका मुद्दा इतना बड़ा उछाल रही हैं, वो उधर मणिपुर में जो मुद्दा है उसको उठाइए, ब्रिजभूषण वाला जो मुद्दा है उसको उठाइए, आप जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है उनको उठाइए। फ्लाइंग किस करना कहाँ किस हद तक ठीक है? पहली बात तो फ्लाइंग किस की ही नहीं उन्होंने। हाँ। फ्लाइंग किस होती है
ऐसे कोई ऐसे फ्लैंकिस नहीं होती है। और ऐसा कभी आपने देखा है कि फ्लैंकिस आप यहाँ कर रहे हैं जी किस वहाँ पहुँच रही है, ऐसा कभी देखा है आपने? झूठ तो नहीं बोलेंगी ना, झूठ ही बोल रही है, झूठ और झूठ ही बोल रही है, सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है। जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की राजनीति चल रही है। ये जनता की चुनी हुई नहीं, मोदी जी की चुनी हुई है, उन्होंने उठा के सीरियल से यहाँ बिठा दिए। सीरियल करती है, उनको यहाँ नहीं पता फ्लाइंग किस कैसे किया जाता है, इनको तो सीखना चाहिए कैसे करते हैं। आप कह रही है इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर महिला है वो, आपको पसंद होंगी भैया, हमें तो नहीं लगता कि वो सुंदर है। किसी जमाने में थी, अब वो जमाने गए। कभी सास से कभी बहू देखा है ना आपने? उस जमाने में थी, मैं बोल रही हूँ अपनी ही सहेली के पति से शादी कर ली। स्टार प्लस, अब तो लोग स्टार प्लस भी नहीं देखना चाहते, वहाँ तो ये दिखाते हैं कि लेडीज का कोई करेक्टर नहीं है। इतनी मतलब जो बहुएं हैं घर की, उनकी कितनी कितनी शादियाँ किसी के साथ भी कर देते हैं। और यही इसने स्टार प्लस से स्मृति ईरानी ने क्या जाके देखा अपनी सहेली के पति को, उस पर डोरे डाले, उसी को अपनी शादी कर ली। ये क्या बहुत अच्छा तरीका है इनका, ये पर्सनल का है। अब हम ये क्या मतलब है, ये बात बोलना चाहती हूं। चलो लिमिट में, चलो जी, ये लग इनको डर बैठ गया है। हाँ। चलो मैं बोलती हूँ, अच्छा ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है, उनका इल्यूजन है कि राहुल गांधी जी ने किस दी, ठीक है, फ्लाइंग किस दी, तो उन्होंने कैच क्यों की? कैच क्यों की ये बताइए। बुद्धा बोलते हैं इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट गोज बैक टू यू, तो क्यों कैच की उन्होंने? कैच की इसीलिए इतना, और वो कैच तो की उसके ऊपर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया उठाकर। मानते हैं कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस किया? नहीं किया, वही मैं बोल रही हूँ, वो उनका इल्यूजन है, उनका इमेजिनेशन है, वाइल्ड इमेजिनेशन हो सकता है। राहुल गांधी जी को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, कहना चाह रही है स्मृति ईरानी राहुल गांधी को पसंद करती है, इसीलिए उनको फ्लाइंग किस, जब वो बात कर रहे थे उनको लगा कि वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, दैट्स वाइल्ड इमेजिनेशन कर रहे थे, उन्होंने सोचा मुझे फ्लाइंग किस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये झूठों का पिंडा है, सारी पार्टियां एक कॉर्नर में बैठी हैं, उनके आगे उनकी मदर भी बैठी हैं, आप बताइए, और आगे उनके मंत्री जी बैठे, बार बार खड़े हो रहे थे, वो उसको ये नीचे करके यूं कर रहे थे, यूं ऐसा करा है, और मंत्री जी को करा है जो उनके आगे बैठे थे, वो बार बार खड़े हो रहे थे, उन्होंने ये चीज की। मैं यही चीज कहना चाहती हूँ आपको, ये देखो फ्लाइंग किस एक पीस का पैगाम, एक शांति का पैगाम भी हो सकता है, एक मोहब्बत का पैगाम भी हो सकता है। मोहब्बत मतलब दुनिया में शांति, पीस, आप उसको गलत ढंग में क्यों लेके जा रहे हैं? और पहली बात तो उन्होंने किया नहीं है फ्लाइंग किस। लेकिन चलिए देखिए, राहुल गांधी की अगर मैं बात, वो राहुल गांधी जी से वो चांस मांग रही हैं कि उनको कोई चांस दिया जाए, क्योंकि राहुल आप ये तो अंडरस्टूड है, आप देखिए ना किस चीज का चांस है। हाँ। क्योंकि राहुल गांधी जी किसी इतने शरीफ है कि वो कभी किसी की तरफ नहीं करते, नहीं शादी, देखिए शादी की या नहीं की है, हम इससे क्या नहीं कहना चाहते, ये मतलब थोड़ी है कि अगर वो ये देखना चाहती है कि हमें मुझे मौका मिले, मैं वो मुझसे बात करें, और वो उसको चांस नहीं दे रहे बात करने का। बिल्कुल बात करना चाह रही है, वो तो चाहती है कि बात करें, और बदनाम इसीलिए उन्होंने फ्लाइंग किस का बहाना करके उनको बदनाम कर रही है। लेकिन मैडम क्या लगेगा, और सारी महिलाएं उन पर केस डालेंगी, मानन सभी डालेंगी, महिलाएं सभी महिलाएं डालेंगी, सभी महिलाएं, उसने भी यही से किया है। क्योंकि एक बात बताइए, आप किसी पे इल्जाम, मैं आपके गलत इल्जाम लगाऊं, आपको मीडिया बदनाम करूं, तो आप बताइए आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे ना? हम वही बात कर रहे हैं, हर बात पे एक छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात बनाती है। क्योंकि उनको ये हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीत कर दोबारा सांसद बन गए लोकसभा में, अच्छा उनका वो हो गया, इसलिए अब लोकसभा में वो फिर मुद्दे उठाएंगे, इसलिए उनको डर बैठा हुआ है। वो महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, रेप पे, किसी पे केस नहीं उठाती हैं, इसी पे क्यों उठाती हैं? देखिए ये तो एक गेस्चर है, वो सबसे मिलते ही जा रहे हैं, तो गेस्चर के तौर पर हम गले मिलते ही हैं ना। अब ये आपकी मेंटेलिटी है, आप इसे किस वे में लेते हैं, वो तो सबसे हजारों लाखों की जो करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं उनसे मिले हैं और सबको गेस्चर के तौर पर गले लगाए, हैंडशेक किया है, तो ये गलत चीज नहीं है। देखिए उनको कोई मुद्दा तो मिलता नहीं, घूम फिर के राहुल जी और राहुल जी की फैमिली परिवार करते हैं। हाँ। साफ बात की एक बात है। हाँ। ठीक है, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, और इतनी सारी चीजें हैं जिससे हम अभी जूझ रहे हैं प्रॉब्लम से, उन सब पर ध्यान जाता नहीं है इनका, घूम फिर के गांधी फैमिली तक ही जाता है। हाँ। जिन्होंने हमारे भारत को दिया है, जिनके फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया है, उन्हीं के ही हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं, इन्हीं के ही भाजपा के परिवार में इतने सारे लोग हैं, जहाँ परिवारवाद चल रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी ये घूम फिर के गांधी परिवार को ही लेकर आते हैं। चलिए, आप स्मृति ईरानी को किस करना चाहेंगी? देखिए एज अ फीमेल के तौर पर मैं किस क्यों मैं हक करूंगी? हाँ। गेस्चर के तौर पर, और ये गलत चीज नहीं है, मैं इसे गलत नहीं मानती हूँ। ठीक है, आपका वे है, आप वो किस वे में एक फीमेल को लगा हक कर रही है, तो ये गलत नहीं है। अगर मेल पर्सन भी करता है तो ये गलत चीज नहीं है। ठीक है, वो आपकी मेंटेलिटी है, क्योंकि आपकी सोच खराब है। ठीक है, बस यही कहना।